beautify now? Are you feeling right now? हेलो गेमर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एंग्री गेमिंग चैनल पे। सो गेमर्स, आज का इंट्रो आपको कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट में बताना। और हाँ, अगर इंट्रो पसंद आए सो प्लीज 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 एक लाइक जरूर कर देना। सो गेमर्स, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपको पता है कि नेक्स्ट डायमंड रॉयल क्या होने वाला है? नहीं। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। हाँ गाइस, आप में से 90% भाई बोलेंगे नहीं पता, लेकिन क्या टेंशन है, आपका भाई है यहाँ पे, आपको यहाँ पर कंफर्म बताने वाला है कि नेक्स्ट डायमंड रॉयल क्या होने वाला है। उसके बाद गाइस, एक और सवाल बहुत ज्यादा आ रहा था कि बांग्लादेश सर्वर में गाइस यहाँ पर हमारे फ्री फायर परमानेंटली बैंड हो चुका है। ओरे बाबा, तो उसके ऊपर क्या रिएक्शन है, क्या सच में परमानेंट बैंड हुआ है? अगर हो गया तो उसके पीछे रीजंस क्या है, एंड आप लोग कैसे उसको खेल सकते हो, सब कुछ आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है। एंड उसके साथ साथ फोर्थ एनिवर्सरी का भी कुछ स्पेशल अपडेट्स है जो मैं आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। लेकिन रुको, उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है गाइस, रोज करता हूँ, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हो सो गाइस सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन बेल को गाइस ऑल पे जरूर सेट कर देना। तो चलो गाइस, और जरा लेट नहीं करते, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गेमर्स, आज का जो हमारा सबसे पहला नंबर अपडेट होने वाला है वो होने वाला है फ्री फायर बैंड को लेके। यस गाइस, ये जो सवाल है ना, क्या हमारे इंडियन सर्वर पे फ्री फायर बैंड हो सकता है, ये सवाल सुन के आप लोग जितना ज्यादा डर जाते हो गाइस, मैं भी उतना ही डर जाता हूँ, क्योंकि हम लोग फ्री फायर को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ऑलमोस्ट 2 से 3 साल गाइस हम गेम को खेल रहे हैं और गेम जो है हमारे एक बहुत ही अच्छा करीब दोस्त हो गया है। सो गाइस, अगर फ्री फायर ना रहा सो बहुत दिक्कत होगा यार, बहुत मिस करेंगे फ्री फायर को। सो इसलिए गाइस हम डर जाते हैं, लेकिन ये डर भी सही है क्योंकि ये डर जो है आप लोगों के गेम को बचा सकता है। यस गाइस, सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीजें मैं क्लियर कर दूं। बहुत सारे भाई यहाँ पर बोल रहे थे बांग्लादेश सर्वर में जो यहाँ पर सुनने को मिल रहा है फ्री फायर बैंड हो चुका है, क्या वो सच है? हाँ गाइस, वो बिल्कुल सच है। और यहाँ पर मैं आपको कुछ आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ आर्टिकल, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है गाइस, बांग्लादेश में ओनली फ्री फायर को नहीं, फ्री फायर, पबजी एंड उसके साथ साथ टिकटॉक भी। हाँ गाइस, वही प्लेटफॉर्म जहाँ पे मुजरा चलता है, आपको पता है। सो वो प्लेटफॉर्म भी बांग्लादेश में चल रहा था, लेकिन फाइनली वो तीनों आइटम्स मतलब तीनों ऐप को गाइस बैंड किया गया, और वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं गाइस, 3 महीने के लिए। यस गाइस, बांग्लादेश वालों के लिए यार बहुत बैड न्यूज है ये, लेकिन हमारे सर्वर में भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर गेम एडिक्शन थोड़ा सा कम कर दो, लिमिट में गेम खेलो, पैसा वैसा मत लगाना गाइस, तो फिर गेम हमेशा चलेगा। क्योंकि यहाँ पर सर्वर जो है दिक्कत, मतलब हमारे इंडियन सर्वर पे ये दिक्कत था कि डाटा माइन करता है, मतलब डाटा यहाँ से बाहर जाते हैं, चाइना में डाटा जाते हैं, इसलिए बैंड हो रहा था हमारे यहाँ पे। लेकिन आपको पता है फ्री फायर चाइना का नहीं है, सो गाइस यहाँ पर ये दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इतना ज्यादा गेम खेलते रहोगे, टॉप अप वगैरह करते रहोगे, सो गाइस कंप्लेंट गवर्नमेंट के पास जाता रहता है, और अगर देखेंगे कि ज्यादा हो चुका है तो गाइस बैंड भी हो सकता है। लेकिन बात कर लेते हैं बांग्लादेश सर्वर की। सो हाँ, बांग्लादेश सर्वर में बैंड तो हो गया, लेकिन गाइस आप लोग जो यहाँ पर आराम से खेल सकते हो VPN यूज करके। यस गाइस, आप लोग YouTube पे सर्च करना, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, और VPN यूज करके आप आराम से खेल सकते हो। लेकिन एक छोटा सा बैड न्यूज और है मेरे हिसाब से, मैं बता रहा हूँ जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3 महीने के बाद खुल जाएगा। गाइस खुल गया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन चांसेस बहुत कम है, क्योंकि गाइस मैं आपको बता दूं फ्री फायर में भी बांग्लादेश के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, और अगर गवर्नमेंट एक साथ मतलब परमानेंट बैन कर देता सो ये चीज को हंगामा क्रिएट हो सकता था। तो इसलिए क्या कि इन लोगों ने 3 महीने के लिए बैन लगाया, और इसमें क्या होगा, बहुत सारे भाई का जो एक क्रेज कम हो जाएगा 3 महीने में, उसके बाद धीरे धीरे बैन को और बढ़ाता जाएगा और परमानेंट बैन हो जाएगा, आई थिंक, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो नीचे कमेंट में बताना, लेकिन यार हम लोग जुगाड़ू पुत्र है, हम लोग यार जुगाड़ तो करके ले ही लेंगे। सो गेमर्स, आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गया होगा। बैन क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारे भाई जो है वहां पे ज्यादा गेम खेल रहे थे, पैसा वैसा लगा रहे थे, सुसाइड का केस बहुत ज्यादा आ रहा था, तो इसलिए गाइस बैन किया गया है। सो गेमर्स, आई होप आप लोग ये गलती नहीं करेंगे हमारे इंडिया वाले, और आई थिंक हमारे इंडिया पे बिल्कुल सेफ है। सो गेमर्स, अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की ओर। यही नहीं, अभी और सुनिए।
एंड गेमर्स, हमारा जो नेक्स्ट अपडेट होने वाला है वो होने वाला है हमारे फोर्थ एनिवर्सरी के बहुत ही ज्यादा स्पेशल अपडेट में से एक। हाँ गाइस, फाइनली फ्री फायर ने एक बहुत ही अच्छा अपडेट कन्फर्मली बता दिया और वो है गाइस स्पेशल गोल्ड रॉयल। यस गाइस, आप लोगों ने सुना होगा, मैं बहुत लेट हूँ इसमें क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस ही नहीं किया था। मुझे लग रहा था बहुत सारे भाई फेक बोल रहे हैं, लेकिन कल मैंने कंफर्म करने के बाद इसलिए मैं आज बता रहा हूँ। एंड फाइनल में आपको दिखाऊंगा इंडियन सर्वर पे कौन से जो यहाँ पर बंडल आने वाला है गोल्ड रॉयल पे, ठीक है। बाहर का सर्वर का देखोगे तो गुस्सा आएगा, छोरो बाहर का सर्वर देखेंगे ही नहीं, अंदर का ही देखते हैं हमारे इंडियन सर्वर का। तो देखो यहाँ पर ये तीन बंडल, यस गाइस ये तीन बंडल आपको जो है मिलने वाला है गोल्ड रॉयल पे। भाई गोल्ड रॉयल वाउचर बचा के रखो यार। सो यहाँ पर ये तीनों बंडल देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ और भी काफी सारे बंडल होंगे आई थिंक, लेकिन उसमें इतना ज्यादा मतलब अच्छा बंडल होगा नहीं। सो ये तीन बंडल स्पेशल होगा और यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा 28 अगस्त को, यस गाइस 28 अगस्त को ये आपको देखने को मिल जाएगा गोल्ड रॉयल पे। गाइस मेरे पास तो 1.5-2 लाख गोल्ड है, आपके पास कितना गोल्ड है वो नीचे कमेंट में जरूर बताना और तीनों बंडल में कौन सा अच्छा लगा वो भी नीचे कमेंट में बताना। एंड एक और चीज बता दूं, ये सर्वर देख रहे हो आपको शायद अच्छा लग रहा होगा, लेकिन बाहर के 2-3 सर्वर में गाइस गोल्ड रॉयल पे आ रहा है गाइस ब्रेक डांसर बंडल। यस गाइस गोल्ड रॉयल पे वो लोग ब्रेक डांसर मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे देखो 30 बंडल ही देंगे, बट कोई बात नहीं, दे तो रहे वही बड़ी बात है। सो गेमर्स ये कंफर्म है आपको 28 तारीख को हमारे गेम में देखने को मिल जाएगा। सो गेमर्स अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की ओर। मजा आया। एंड गेमर्स, हमारा जो नेक्स्ट अपडेट होने वाला है वो भी गाइस बहुत ही ज्यादा स्पेशल अपडेट है। एंड गाइस वो अपडेट का नाम है नेक्स्ट गोल्ड रॉयल। यस गाइस, आप लोग भी एंड मैं भी गाइस गोल्ड रॉयल का बहुत ज्यादा इंतजार करता हूँ क्योंकि गाइस उसमें अच्छे अच्छे बंडल मिलते हैं, लेकिन 2-3 अपडेट से तो कुछ भी नहीं मिल रहा और इस बार तो गाइस हद ही कर दिया, इतना गंदा बंडल, मतलब मैं तो एक डायमंड भी नहीं लगाया। गाइस आप लोगों ने स्पिन किया या नहीं वो नीचे उन्हें बताना, लेकिन छोड़ो गाइस वो तो फालतू है। अभी गाइस मैं आपको एक न्यू बंडल दिखाने वाला हूँ जो आपको नेक्स्ट देखने मिलेगा। सो यहाँ पर आप ये बंडल देख सकते हो। हाँ गाइस, इसका ही फीमेल वर्जन आने वाला है। यस गाइस, ये बकरी चोर का बहन आने वाला है। गाइस ये क्या बंडल है भाई, मतलब आदिवासी बंडल, बकरी चोर बंडल, जो भी बोलो यार, मतलब तब भी मेल से फीमेल थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन गाइस ये फीमेल बंडल आपका नेक्स्ट डायमंड रॉयल होने वाला है, ये कंफर्म है। इसके ऊपर मैं और कमेंट नहीं करना चाहता, बिल्कुल टट्टी है भाई, हक दिया मुझे लगता है यार, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया, ये बिल्कुल हक दिया यहाँ पे और कुछ ही नहीं। गाइस गेरिना कुछ तो रहम करो यार हमारे ऊपर, कुछ अच्छा बंडल दे दो भाई, थोड़ी दिन पहले एक अच्छा बंडल आया था, अभी देखो यार फिर से टट्टी देने लगे। स्पेशल इवेंट्स है यार, कुछ अच्छा दे दो, इसको हटाओ यार, कुछ नया दो। सो गेमर्स लेकिन क्या करे, यही फाइनल है। सो देखते हैं अगली बार क्या आने वाला है, लेकिन ये होने वाला है नेक्स्ट डायमंड रॉयल के बंडल, कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना। सो गेमर्स आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा मजा आया होगा, अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। To lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the bank, legacies.